अस्सलाम वालेकुम जी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है और इसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं फॉर पाइथन फॉर डेटा साइंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम गूगल में जाकर वीएस कोड लिखते हैं तो ये इस तरीके से हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाता है। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है, आप यहां से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है और इसका जो इस वक्त वर्जन चल रहा है दैट इज 1.93। इसके अलावा आप इसके पुराने वर्जन भी देख सकते हैं और यहाँ पे अपडेट्स पे जाके आप देख पाएंगे कि कौन सा वर्जन इस वक्त लेटेस्ट है और उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यू विल सी सितंबर 2022 तक के जितने भी वर्जन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं दैट्स ग्रेट, अगर इससे नया वर्जन आ जाता है तो प्लीज उसे अपडेट जरूर करें और उस वर्जन को आप इंस्टॉल करें। वीएस कोड जो है ये बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बेसिकली पाइथन को सिस्टम के अंदर रन करने के लिए यूज होते हैं। अगर आप यहां पर गौर करें तो हमारे पास पाईचार्म, IDLE, आइडल जैसे बोला जाता है, एंड देन वी हैव विजुअल स्टूडियो कोड, स्पाइडर है, हमारे पास पाई स्क्रिप्टर है, विजुअल स्टूडियो है, एक्लिप्स है, पाई डेव है, एंड देर आर मेनी अदर विजुअल स्टूडियो की तरह के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। लेकिन इस पूरे कोर्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करने वाले हैं। बहुत ज्यादा लोग जो है वो गूगल कोलैब का भी यूज करते हैं फॉर जुपिटर नोटबुक, जो आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा, लेकिन वी आर गोइंग टू यूज विजुअल स्टूडियो कोड। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पर जाके लिखना है वीएस कोड। सो इस तरीके से हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो सॉफ्टवेयर है इसको हम यूटिलाइज करने वाले हैं और इसको यूटिलाइज करते हुए हम सारी की सारी चीजें जो हैं उनका ख्याल रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो विजुअल स्टूडियो कोड आपके सामने आ रहा है, अक्सर औकात आपके सामने यहाँ पे अपडेट की ऑप्शन आ रही होती है, प्रोफाइल की ऑप्शन आ रही होती है। तो अगर आप प्रोफाइल पे क्लिक करें, यू कैन क्रिएट योर प्रोफाइल हियर, और उससे बार बार जब भी आप गिटहब वीएस कोड को ओपन करते हैं तो फिर वो वैसे ही काम करता है जैसे आप एक दफा उसको सेटिंग पे ले जाते हैं। सेकेंडली, अगर आप इस अकाउंट पे क्लिक करें, यू कैन ऑल्सो लॉग इन विद योर अकाउंट, जैसे मैंने यहां पे अपने गिटहब और गिटहब कोपायलट के चैट से इसको लॉग इन किया हुआ है। अगर आप इसको अपने गिटहब अकाउंट से लॉग इन कर लेंगे, जो मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको बताया था कि गिटहब का आईडी बनाना बहुत जरूरी है, वो आप आईडी बनाएं। कैसे आपने बनाना है, आप github.com पे जाएंगे, github.org है या com है, लेट्स सी, .com ही है। github.com पे जाने के बाद यहां से आप अपनी आईडी बनाएंगे, यानी कि साइन इन करेंगे। मैंने अपनी आईडी बनाई हुई है, मैं साइन इन हूँ। तो इस तरीके से आपके सामने कुछ आपकी आईडी बनती है, github.com पे जाने के बाद आप साइन अप करेंगे और ये आईडी बन जाएगी। ये आईडी से अगर आप वीएस कोड में एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेते हैं, अपनी आईडी को कनेक्ट कर लेते हैं, देन किसी भी सिस्टम में कभी भी जब भी आप वीएस कोड ओपन करेंगे वो ऑटोमेटिकली सब कुछ वैसे ही ले आएगा जो आप एक सिस्टम में यूज़ कर रहे थे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज, जब भी आप गिटहब को आप यूज़ करें, सॉरी वीएस कोड को यूज़ करें, तो एक्सटेंशन में जाके कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी होती हैं। एक्सटेंशन क्या हैं, जब भी आप कोडिंग करते हैं ये आपका काम आसान कर देती हैं। एंड कुछ एक्सटेंशन मेरे पास जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं, मैं उनके नाम आपको इसी तरीके से दिखा दूंगा, आप वो उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यू विल सी डॉट टेम्पलेट, एडिट सीएसवी, गिटहब कोपायलट, गिटहब कोपायलट चैट, गिटहब थीम, ग्राफ विज प्रीव्यू वेब, एचटीएमएल प्रीव्यू, जुपिटर, जुपिटर सेल टैग्स, की मैप्स, ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, नोटबुक रेंडर्स आ जाएंगे, जुपिटर स्लाइड शो आ जाएगा, मार्कडाउन ऑल इन वन आ जाएगा, मार्कडाउन पीडीएफ आ जाएगा, मटेरियल आइकन्स थीम आ जाएगा, मटेरियल थीम आइकन फ्री वाले भी आ जाएंगे, प्रीटियर आ जाएगी एक्सटेंशन, पाई लैंस आ जाएगी, पाइथन आ जाएगी, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रन पाइथन, पाइथन डिबगर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, रेनबो सीएसवी, ये सीएसवी फाइल के अंदर रेनबो कलर्स आ जाएंगे, देन यू हैव वीएस कोड आइकन्स, VS Code PDF, and then we will see also few others IDEs, ठीक है, sorry extensions in this IDE. उन extensions में जो मशहूर ज़माना है वो आप लोगों को भी पता है, but I would say IntelliCode की है, जिसे हम ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स। ये एक ऐसी आईडी है जो ऑटोमेटिकली आपको कोड करके देगी विदाउट एनी पेइंग एनी फी। तो इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, मेरे पास गिटहब को पायलट है तो इस वजह से मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा। गिटहब को पायलट सिर्फ और सिर्फ आपको जो एजुकेशन डेवलपर पैक के अंदर मिलती है, गिटहब को पायलट,
ये वैसे पैसों की है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं तो आपको ये फ्री में मिल जाती है गिटहब कोपायलट। आप अपनी आईडी के साथ साइन इन करेंगे और यहाँ पे ये गिटहब कोपायलट को आप ले लेंगे। तो मेरे पास ये वाली आईडी है, एक इंटेली कोड की एक्सटेंशन है, तो इस वजह से मैंने वो किया। ब्लैक बॉक्स कर लेंगे फ्री में। एक और एक्सटेंशन है जिसका नाम है कोड IUM, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रॉम हियर। कोड IUM को ये भी आपको खुद ब खुद जो है वो कोड लिख के देगी, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग अप। तो अगर आपको ऐसे कोड्स नजर आए देन यू विल यू कैन यूज दिस, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जब भी हम VS कोड को यूज़ करते हैं वो है आपकी थीम। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं, थीम्स में जाके कलर थीम Ctrl+K और Ctrl+T इन पे मैं प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक करें मैंने डार्क विजुअल स्टूडियो कोड की थीम की है। अभी आपकी आंखों में थोड़ा सा असर होगा लाइट, ठीक है। तो ये थीम्स आप डार्क ज़्यादातर रखते हैं, लाइट विजुअल स्टूडियो को जो थीम्स हैं वो कोई इतने ख़ास नहीं है। डार्क रखने से बेसिकली आपकी आंखें जो हैं वो उनकी बचत हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से मैं भी डार्क थीम को यूज़ करता हूँ, ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब VS कोड के अंदर ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, एक्सटेंशंस एंड कनेक्ट योर आईडी फ्रॉम GitHub, एंड देन सेटिंग पे प्रोफाइल जो है वो आपकी एक दफ़ा सेट कर लें अगर करनी है, अगर नहीं भी करते नो प्रॉब्लम। फिर कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, थीम्स हैं, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम जब कोडिंग कर रहे होंगे तब देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया कि किस तरीके से VS कोड जो है वो आपका काम करता है और VS कोड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं।